देविड जी, आज तक मैं जो भी सीखा वो सिर्फ आपके लिए सीखा और किसी के लिए नहीं। जैसे बचपन में माँ बाप ने स्कूल में सिखाया था, इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के जो भी काम है, चाहे वो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग या किस तरह से पिक्चर बनाई जाती है, ये सिर्फ मैंने आपके थ्रू सीखा है। तो आज मैं जो भी हूँ, वाशु बगनानी नंबर वन बोलिए या जो भी बोलिए, सिर्फ डेविड जी के लिए और किसी के लिए नहीं। डेविड, जब आप प्रोड्यूसर के साथ बैठते हैं तो मतलब उसका मशवरा कितना काम करता है, आपका मशवरा कितना काम करता है, या आप उससे कहते हैं देखिए साहब आपका काम है प्रोडक्शन को अरेंज कर देना, पैसे ऐसे लगा देना, उसके बाद आप घर पे बैठिए और मंत्र वंत्र जाप कीजिए कि फिल्म। मैं इस टाइप की फिल्म करने को बिल्कुल, आई डोंट वांट टू डू अ फिल्म लाइक दैट। अगर प्रोड्यूसर का पैशन नहीं हो, मतलब मेरा पैशन जैसे 100% है, उसका कम से कम 80% तो होना चाहिए फिल्म मेकिंग में। अगर वो धंधा करने आया मेरे साथ तो मेरे को नहीं करनी। फिल्म मेकिंग बहुत क्रिएटिव आर्ट, मतलब इट इज़ ठीक है, बिजनेस इज देयर, बट एट द सेम टाइम एक इंटरेस्ट जो होता है ना फिल्म मेकिंग का, उसको सब होना, चाहे सीखे चाहे कुछ करे, बट मेरे साथ कंधे से लंदन लगा के रहेगा, ये आई शुड बी देयर, देन ओनली आई फील लाइक मेकिंग अ गुड फिल्म, अदरवाइज फायदा क्या है। आप एक वक्त में एक ही फिल्म करते हैं या दो तीन फिल्म करते हैं? अभी तक तो दो तीन कर ही रहा था, अब कोशिश यही है कि एक करूँ। करो ना, आपसे एक इनकी डोमेस्टिक सीन के बारे में बात करना चाहता हूँ। डेविड धवन को आप जानती हैं, हम सब जानते हैं, बहुत कामयाब फिल्म मेकर हैं। डेविड धवन को उनके दोस्त जानते हैं कि बहुत हंसमुख जो है, खेलता कूदता खुशमिजाज आदमी है। आप कहते हैं घर में बहुत टेंस रहते हैं, पल पल में चिढ़ जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं, फिर राज़ी भी हो जाते हैं या। लेकिन आपके बच्चों के साथ जो है इनका कैसा रवैया रहता है? आपके दो बेटे हैं, अच्छा खासा बड़े। बच्चों के साथ ये बिल्कुल दोस्त के जैसे रहते हैं। इनफैक्ट वो सोचते हैं कि मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और हर वक्त मैं पर ये बिल्कुल नॉर्मल और हैप्पी गो लक्की एंड जोकिंग एंड लाफ्टर, दे हैव अ गुड टाइम। मुझे लगता है कि मेरे तीन बच्चे बैठे हैं, मतलब तीनों एक साथ। एंड यू आर यूज्ड टू ब्रिंगिंग अप थ्री सन, लेट मी गेट द अदर टू प्लीज। तशीफ लाइए। आपकी मम्मी बता रही थी कि इनके साथ चाहे जो हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत दोस्ताना माहौल रहता है। Yeah, we are just like friends, more than a father-son relationship. And we've spoken about his past and his present. Now we are going to talk about his future. Which is? As a dad, my only complaint against him is that he works too much. And we can't see him do that. From now on, he's going to make one film a year. And he's going to say it right now. I would say that this world is the best father of the world. और मैं भगवान से खाली ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं वापस जन्म लूँ तो यही मेरे माँ बाप।